सोचो मिस्टर विवान कपूर और कैसे दुख पहुंचाना चाहते हो। इस बार मीरा रेडी स्टेडी टू को पोजीशन में मिलेगी। छोड़ दो मीरा, जाने दो इसे, इसे तो हम कोर्ट में देख लेंगे। कम से कम ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई। हम किसी भी तरह मां और माया को बचाना होगा। हेलो। तो स्टे ऑर्डर मिल गया हाथ में, निकाल नहीं पाए। देखो, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, तुम जानते हो। अगर नहीं हो पाया तो इसमें मेरी क्या गलती? अरे टेंशन क्यों ले रहे हो मिस्टर कपूर, कोई ना। तुम्हें दुखी करने के और बहुत से रास्ते हैं मेरे पास। चलो एक रास्ता, नंबर दो, एक गेम खेलते हैं, ट्रुथ और डेयर में। तू तो डेयर नहीं कर पाया, अब ट्रुथ बोल, सच बता। मीरा की गर्दन पे किस साइड तिल है? तो समझ के जवाब दो मिस्टर कपूर, माँ बहन के लिए महंगा ना पड़ जाए। सवाल पसंद नहीं आया, चल बदल देते हैं। बता, मीरा के घुटने पे चोट का निशान है क्या? सुन, तू मेरी बात सुन। अगर तूने कुछ मिट्टी के तेल की खुशबू आ रही है, बड़ी अच्छी होती है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। ध्यान से सुन, आ रही होगी, इसी पे मिट्टी का तेल छिड़का जा रहा है बॉस। ये सब विवान, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? क्या किया तुमने? मेरा किसी और चीज से काम नहीं चला तो फिर से मान भाग लेगा। लेकिन क्या किया तुमने? मीरा क्या कर रही हो? साइड हटो, आगे वहां पे। मीरा क्या कर रही हो? मीरा सामान क्यों छोड़ो? तुम्हें कुछ हो गया तो आज बहुत इज्जत के, हट लो वहां से। दूर रहो मुझसे, दूर रहो। तुम्हारे हाथ लगा दी थे, मैं यहाँ पे चल के मर जाऊं। मीरा ये लो मम्मी। हाय रब्बा, मीरा चुट पैनिया, ये क्या कर दिया तूने? अरे इतना कुछ तो कह दिया, अब ये क्या ड्रामे कर रहा है? क्या चल रहा है तेरे मीशने दिमाग में? अरे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए तूने। अरे तोड़ क्या दिए, टोटे टोटे कर दिए। अब ऐसे मीरा को अपनी गोदी में उठाकर क्यों ला रहा है? देखो विवान, मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए आज भी इज्जत है, अपनापन है, सम्मान करता हूँ तुम्हारा। हर बाप यही चाहता है कि उसका जमाई अच्छा हो, लेकिन आज मीरा की जो हालत है ना, इसलिए ऐसा कुछ भी मत करना जिससे मेरा दिमाग खराब हो जाए और मैं हद पार कर जाऊं।
आप जाइए, जाइए आप अपनी साइड चले जाइए। बस कीजिए आप, मुझे कोई शौक नहीं है आपकी बेटी को बचाने का। मेरी प्रॉपर्टी पे आके जो उसने हरकत करी है ना, कितना हंगामा करा, इतनी गंदी सिचुएशन क्रिएट कर दी, सारा ब्लेम मुझ पे आता अगर इसको कुछ हो जाता तो। मीडिया में नाम उछाला जाता और किसका नाम खराब होता? मेरा नाम। पर आप लोगों को इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि आप लोग का तो कोई नाम है ही नहीं, तो खराब होने का तो सवाल ही नहीं उठता, राइट? अब एक काम कीजिए, जल्दी से इसको यहां से उठाइए और आप लोग, मैंने आप लोग को पहले भी कहा था ना, यहां से निकल जाइए। जस्ट लीव माई हाउस प्लीज। किस्मत है, कुछ ना कुछ हो ही जाता है इसके साथ। ये तो मीरा की जर्सी, ये तो मीरा की कबड़ में थी, तो यहां कैसे? जिसने अपनी परवाह ना की उस इश्क का क्या कहना। नफरत का नाटक तुमसे तो नहीं हो पाएगा, पर जिस चोट से वो तिलमिला उठेगी उस चोट का क्या कहना।
ये नहीं, मैं मीरा को कुछ नहीं होने दूंगा। ये मीरा दी बात तो सुनो, आप कहाँ जा रहे हो आप? मीरा दी, आप लोग टेंशन ना लो। मीरा, तू पागल हो गई है? ऐसी हालत में कहाँ जा रही है? अभी तो मरते मरते बची है तू। हाँ 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 मीरा, मुंह की लड़ाई तक तो ठीक था, लेकिन अब ये बंदा मरने मारने पर तुल गया है। नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगी, मुझे बहुत डर लग रहा है। चाची जी, डरने की क्या बात है, आप सब होना मेरे साथ, और नई दुकान सेट करना भी तो बहुत जरूरी है। पुत्र, अमर भी तो लगा हुआ है उसके लिए, मार रहा है ना हाथ पैर। पुत्र तू थोड़ी देर आराम कर ले, चल शाबाश अंदर चल। नहीं बीजी, टाइम है ही का, जल्दी से जल्दी मुझे पैसों का इंतजाम करना और विवान के मुंह पे किराया मारना। पुत्र, तू क्यों चिंता कर रही है इतनी? रब है ना हमारे साथ, तभी तो हमारे सर के ऊपर से इतनी बड़ी बला टली है। नहीं पापी, बला टली नहीं, सर पे है। उस दीवार से यहां तक इस आदमी को तो शर्म हया है ही नहीं। अरे जिसने बाहर का पानी पिया हो, वो हमारा कैसे हो सकता है? हम ही बेवकूफ थे जो इस पे इतना विश्वास कर लिया। पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर आग उसने लगाई है तो उसने मीरा को बचाया क्यों? बीजी अभी अभी तो भूल के गया ना, अपना नाम, अपनी इज्जत बचाने के लिए। मीरा पुत्र कितने जा रही है? जल्दी पता चल जाएगा। तुमने आज दिखा दिया कि तुम कितना नीचे गिर सकते हो, पर अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, कम से कम मेरे दिमाग में से मौत का डर भी निकल गया, उसके लिए थैंक यू। पर जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी नीचे गिर जाओ, मैं और मेरा परिवार इस घर से कहीं नहीं जाएंगे, और अब तुम्हें तुम्हारे तरीके से सबक भी सिखाऊंगी। इससे कहिए जो कहना है साफ साफ बोले। ये जो घुमा फिरा के इधर उधर की बातें बोलती है ना, कुछ समझ नहीं आता। ठीक है, ये भी ठीक है, इतना पुराना रिश्ता है तो ये बात तो मान ही सकती हूँ। सीधा मुद्दे पे आती हूँ। इंस्पेक्टर बराज, विवान कपूर, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए आए। आपको हमारे साथ पुलिस चौकी चलना होगा। बुरे लोग तो अपनी बीवियों को जलाते हैं, पर तुम तो कितने अच्छे निकले। ऐसी चीपड़गिरी करने के लिए तुमने तलाक तक का इंतजार किया। पर कोई नहीं, सजा तो तुम्हें मिलके रहेगी। मैंने FIR लिखवा दी है और बाकी का सारा काम ना इंस्पेक्टर बरार कर लेंगे। विवान कपूर, अपना हाथ आगे दीजिए प्लीज। इंस्पेक्टर बरार, इसको यहाँ से लेके जाइए। इस देश में कानून लड़कियों की बहुत इज्जत करता है, उनको फुल प्रोटेक्शन देता है, उनकी बहुत बहुत सुरक्षा करता है। उसका ये घटिया और नाजायज फायदा मत उठाओ। फायदा? फायदा उठाना तो आपको आता है मिस्टर विवान कपूर, कब किसका कहाँ कैसे फायदा उठाया जाए ये तो कोई आपसे सीखे। इंस्पेक्टर साहब, इसको लेके जाइए यहाँ से।
वैसे भी तुम्हारी ये जो आवाज है ना, अब मेरे कान पक गए हैं आवाज सुन सुन के। चुपती है मेरी कानों में, समझाइए इसे। मिस्टर विवान कपूर चलिए। इंस्पेक्टर बरार। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। इंस्पेक्टर बरार, इसको हथकड़ियां लगाओ और यहाँ से लेके जाओ। तुम पागल हो, समझ नहीं आया तुम्हें कि मैं चलने के लिए तैयार हूँ? हथकड़ियां उसको लगाई जाती हैं जो पुलिस के साथ कोऑपरेट ना करे। मैं कर रहा हूं ना, और अगर बचपन में फिल्में ना देखी होती और किताबें पढ़ी होती ना, तो ये सब शायद तुम्हें समझ आ भी जाता। चलिए इंस्पेक्टर ब्रार, एक और बात, ठीक एक घंटे में मैं वापस इसी जगह पे खड़ा होऊंगा, और तब तक आप सब लोग इस घर से निकल जाने चाहिए। वैसे वो आग तो मैंने नहीं लगाई थी, सीरियसली मैंने वो आग नहीं लगाई थी, पर अगर एक घंटे के अंदर तुम और ये तुम्हारी फैमिली यहां से नहीं निकले ना, तो मुझे नहीं पता मैं क्या करूंगा। एक घंटा। चीपड़गिरी करने के लिए तुमने तलाक तक का इंतजार किया, पर कोई नहीं, सजा तो तुम्हें मिल के रहेगी। लो पाजी, एक और आ गया, लगता है उसने हमारा वाला काम किया, तभी यहाँ पर। मुझे तो लगता है ये कोई बैंक को लूट के विदेश भागने वाला होगा। खैर, ये तो आजकल का रिवाज बन गया, लेकिन इन जैसे लोग तो चुटकियों में बाहर निकल जाते हैं, और हम तो सालों तक यहीं पड़े रहते हैं। कोई बैंक नहीं लूटा मैंने, ऐसा कोई काम नहीं किया, बल्कि उससे भी बड़ा और घटिया पाप किया। अपनी बीवी को चोट पहुंचाई है, उसको बहुत दुख दिया। क्या तो सड़ता रहे इधर? मीरा बिल्कुल सही कह रही है, ऐसे भागने से कोई फायदा नहीं है। बहुत हो गया, अब नहीं रहना मुझे इस कार में। मुझे तो विवान से डर लगने लगा है, पता नहीं आगे क्या कर डाले। मुझे तो इस मुंडे पे कोई भरोसा ही नहीं है। नहीं मम्मी, हम हार नहीं मानेंगे। घर से लड़ने में हार क्यों माननी? पुत्र समझा कर, तू क्यों नहीं समझ रही है? अरे आप क्यों नहीं समझ रहे हो पापी, ये सही कह रही है। मैं एकदम सही कह रही हूँ, मेरी बात मानो। अरे इसकी जान पे खतरा है ना, हम घर छोड़ के नहीं जाएंगे बस। अरे नहीं जाना है मुझे यहाँ। नहीं मम्मी, ऐसे नहीं होता है। अब मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारी तरफ दिमाग लग रहा है तुम्हारे पास से, और मेरे पास झूलो पड़े। मैं यहाँ पे सड़ू, सिर्फ इतनी सी सजा। मैं बाहर से हूँ, आपके शहर में आया, आपके शहर की लड़की से शादी करी, उसको धोखा दिया, उसको दुख पहुंचाया, उसके परिवार को चोट पहुंचाई, और इतनी सी सजा। मैंने तो सुना था इस शहर में सब लोग एक दूसरे से प्यार करते। बहुत लगाव है आपस में, तो मुझे सजा दो ना। हाँ, आप लोग को भी तो मुझे सजा देनी चाहिए ना। एक काम करिए, मारिए मुझे, मारिए मुझे, मारो मुझे, मारो ना मुझे, क्या हुआ, मारो मुझे। यहाँ की जो पुलिस है ना, ये मुझे 10 मिनट में छोड़ देगी, पर मैंने जो अपनी बीवी के साथ किया, अपनी मीरा के साथ किया, उसके लिए मुझे सालों तक सजा मिलनी चाहिए। तो मुझे सजा दो, मारो मुझे। मुझे लगता है इसका दिमाग हिल गया है। क्यों, डर गए क्या तुम? रखो, हाँ डर गए क्या? डर गया तू,
मार नहीं सकता मुझे। Thank you.